ये जो है हम सियानो बैक्टीरिया स्टडी कर रहे हैं और सियानो बैक्टीरिया में नॉस्टॉक देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम किंगडम नॉस्टॉक का देखेंगे जो कि बैक्टीरिया है। फाइलम सियानो बैक्टीरिया, क्लास सियानोफाइसी है, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है, फैमिली नॉस्टोकेशिया है, जीनस नॉस्टॉक है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन तीन ज्यादा याद रखने हैं। कौन कौन से? किंगडम बैक्टीरिया, फाइलम सियानो बैक्टीरिया और क्लास है सियानोफाइसी। ठीक है, अब इसमें वो बैक्टीरिया मतलब क्या आते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो कि अल्जी की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नॉस्टॉक में भी ऐसे ही आते हैं, एनापिना में भी और सिलाटोरिया में भी। अब अगर हम ऑकरेंस देखें नॉस्टॉक की, वो पाया कहाँ जाता है, तो ये ताजा पानी के तालाब में होगा। फ्रेश वाटर, ताजा पानी कौन सा होता है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी साल्ट की निस्बत, मतलब हाइपोटोनिक एनवायरमेंट होगा और ये फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा स्मॉल सर्कुलर बास के तौर पर। छोटी गेंदे जो होती हैं जिन्हें हम सिमसिम भी कहते हैं, उस तरह की स्मॉल बास के ऊपर, स्मॉल बास की तरह जो है ये आजादाना तैर रहा होगा। और ये हो सकता है कि किसी सबमर्ज्ड मतलब समंदर या दरिया के अंदर जो पौधे होते हैं उसके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और इसके अलावा गीली मट्टी में पाया जाएगा, गीली चट्टानों पर और बॉटम जो पैंदे होते हैं लेक्स के, नहरों के, वहां पर पाया जाएगा और बहुत कम ही मेराइन एनवायरमेंट में होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये ग्रो कर सकता है सिम्बायोटिकली हॉर्नबोर्ड्स के साथ जो कि प्लांट टिश्यूज है। हॉर्नबोर्ड्स जो होते हैं प्लांट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के भी रह सकता है। सिम्बायोसिस जो है हम किसे कहते हैं, ये ना रिलेशंस होते हैं दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो आप प्लांट एक डिफरेंट स्पीशी है, ये सियानो बैक्टीरिया नॉस्टॉक एक डिफरेंट स्पीशी है, तो ये दोनों सिम्बायोसिस करके जो है रह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब ये इसके साथ रहेगा तो ये होस्ट को अपने नाइट्रोजन देगा अपनी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हेटरोसिस्ट के जरिए से। इसके एंड्स पे ना एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हेटरोसिस्ट कहेंगे जो कि इसे बाकी स्ट्रक्चर से जो है डिफरेंशिएट करेगा। तो ये अपने हेटरोसिस्ट के जरिए से अपने होस्ट को मतलब प्लांट टिश्यू जो कि हॉर्नबोर्ड है उसके साथ सिम्बायोसिस करके जब रहेगा तो उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। सिम्बायोसिस में यही होता है ना कि वो आपस में शेयरिंग कर रही होती है चीजों की, जिससे या तो दोनों को फायदा हो रहा होता है जैसे म्यूचुअलिज्म कहेंगे, या फिर एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा होगा जिसे जो है हम क्या कहेंगे हाँ पैरासाइटिज्म कहेंगे। और एक कंडीशन ऐसे हो जिसमें एक को फायदा होगा दूसरे को ना फायदा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, वल्सेटिज्म होगी। ठीक है, तो हाँ हम यहाँ आ जाते हैं नॉस्टॉक स्टडी करें। ये फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, फ्री फ्लोट कर रहा होगा स्मॉल सर्कुलर बास के तौर पर, हॉर्नबोर्ड्स का सिम्बायोसिस करके रहेगा। ठीक है, और लाइकन्स के अंकल पार्टनर के तौर पर भी रह सकता है। लाइकन्स भी जो है दो चीजें, लाइकन जो है एक माइकोराइजल एसोसिएशन है, इसमें फंजाई होगा और अल्जी होगा। अब चूंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो ये अल्गल कंपोनेंट के तौर पर रहेगा लाइकन्स के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, स्मॉल सर्कुलर बास के तौर पर फ्लो करेगा, हॉर्नबोर्ड्स के साथ सिम्बायोसिस करके रहेगा, माइक्रोराइजल एसोसिएशन में लाइकन्स के साथ होगा और लेक्स और पॉन्ड्स के बॉटम में जो है ये पाया जाएगा। अब अगर इसकी हम प्लांट बॉडी देखें तो प्लांट बॉडी में ये जो है कॉलोनी बनाकर रहता है। अब बहुत से ट्विस्टेड ट्राइकोम्स का क्या मतलब है, ट्विस्टेड कहते हैं जैसे तस्बी के दाने होते हैं ना, जब हम तस्बी को मतलब इकट्ठा उसके धागों को मिला दें जिसके अंदर दाने भी भरे हुए हों, तो वो ना एक अजीब सा मतलब स्ट्रेंज सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे जो है हम ट्विस्टेड स्ट्रक्चर कहेंगे। मतलब जिसकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, स्पायरल जो है वो अरेंज होगा। तो इसके बहुत से ट्विस्टेड ट्राइकोम्स जमा होंगे जिलाटीनियस मैट्रिक्स के अंदर। जिलाटीनियस मैट्रिक्स क्या होगा, एक वैक्स चिपचिपा सा वैक्सी स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जमा होंगे और एक ग्लोबुलर या फिर एलिप्साइडल कॉलोनी बना देंगे जो कि ग्रीन या ब्लू ग्रीन होगी और उसे जो है एक पेलिकल की तरह की सख्त मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ होगा। अब ना जिलाटीन एक वैक्सी सा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि जब सियानोबैक्टीरिया के बहुत सारे सेल्स एक लाइन में मिल जाते हैं तो वो ट्राइकोम बनाती है। तो बहुत सारे ट्राइकोम्स जब उस जिलाटीनियस मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठे होंगे तो वो एक कॉलोनी बना देंगे जो या तो जो ब्लू होगी या ब्लू ग्रीन होगी या इसके दरमियान आ रही होगी। और इस कॉलोनी को किसने घेरा हुआ होगा, पेलिकल की एक सख्त मेम्ब्रेन ने। पेलिकल प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है और प्रोडक्शन सपोर्ट जो है देती है। तो इस सारे में हमने क्या देखा है, हमने इसमें इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखी, ऑकरेंस देखी, फिर हमने प्लांट बॉडी इसकी देखी कि जिलाटिनस मैट्रिक्स के अंदर ये रहेगा किस फॉर्म के अंदर, अपनी ट्विस्टेड ट्राइकोम्स की कॉलोनी बनाकर जो ग्रीन जब ब्लू ग्रीन होगी और इसे
पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग किया हुआ होगा। उसके बाद जो है हम अगर इसका सेल स्ट्रक्चर देखें नो स्टॉक के एक सेल का, तो वो कैसे, अब इसका ये सारे सारे प्रोक्रियोटिक है, तो ये बात ऑब्वियस है प्रोक्रियोटिक है, तो इनके अंदर मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी ऑपरेटर्स वगैरह जो है नहीं होंगे। अब इसकी सेल वॉल सेल से बनी हुई होगी, ठीक है, और पिगमेंट्स अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर प्लास्टिड्स होते ही नहीं है, जहां जिन रीजन्स में पिगमेंट्स रहते हैं ना उन रीजन्स को हम प्लास्टिड्स कहते हैं, और प्लास्टिड्स इसमें है नहीं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक, अभी मैंने बताया इसमें ग्रीन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होगी। तो इसके जो पिगमेंट्स है फिर वो कहां होंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, ठीक है, इसलिए इसे जो है हम फिर क्रोमोप्लाज्म कहेंगे। जिस रीजन, क्रोमो मीन्स कलर, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कि साइटोप्लाज्म को कलर दे रहा है, जिसके अंदर पिगमेंट्स है, उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर ब्लू होगा, किस वजह से, फाइकोसियानिन की वजह से। वैसे तो इसमें बहुत से पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फाइकोसियानिन, फाइकोएरिथ्रिन, लेकिन इन सब में जो डोमिनेट करेगा, जिसका मेन कलर कॉलोनी में शो हो रहा होगा नॉस्टॉक की, वो ब्लू कलर होगा, वो किस वजह से होगा, फाइकोसियानिन की वजह से। अब फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म, अभी मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, मतलब ना न्यूक्लियस के लिए मेम्ब्रेन होगी और ना ही उसके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। अब रिजर्व फूड इसके अंदर देखें तो वो शुगर होगी, ग्लाइकोजन होगी और सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होंगे। सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो है ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्लाइकोजन भी ये स्टार्च की फॉर्म है प्लांट्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जिस तरह मतलब स्टार्च प्लांट्स में होती है ना वैसे ये एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन होती है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में आ रही है। और शुगर, हम सबको पता है शुगर क्या होती है, अब ये देखिए आप नॉस्टॉक जो है यहाँ पर पड़ा है ब्लू कलर की, इसकी मैंने कॉलोनी बनाई है, ठीक है, और इसे ये पैंकर की तरह की एक ये ग्रीन कवरिंग ने जो है स्ट्रॉन्ग किया, वैसे मैंने ग्रीन शो की है, वैसे उसका कलर और होगा, और बेसिकली इस ट्राइकोम्स का नॉस्टॉक क्या कलर होगा, ब्लू होगा। अब ये इसका इंटरसेलरी हाइड्रोसिस, इंटरकैलरी हाइड्रोसिस का क्या मतलब है, जो सेंटर में है, ठीक है, और ये जो है इसकी ये दो डॉट्स मैंने रेड शो किए हैं, इसके पोलर नोड्स हैं, और ये जो है इसकी शीट है पेलिकन की तरह की, मैंने अभी बताया इसे स्ट्रॉन्ग करी होगी, ये इसकी अकॉन्डेट्स है, और ये इसके अंदर जो पड़े हैं सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, जो मैंने बताया इसका रिजर्व फूड होगा। अब इसमें रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअल नहीं होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, और एसेक्सुअल होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे इसमें होगी, वो होगी कॉलोनी की फ्रेगमेंटेशन से, मतलब इसकी जो कॉलोनी होगी ना वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी और उनसे नई नॉस्टॉक की कॉलोनियां बनेंगी। और दूसरा किससे होगी, हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया से कैसे होगी कि जिस जगह पे ना मिसाल के तौर पर यहाँ पे डेड सेल है और इधर भी डेड सेल है, अब इसके दरमियान का रीजन तो लिविंग है ना, तो क्या होगा कि ये लिविंग रीजन फिर यहाँ से अलग हो जाएगा और नया नॉस्टॉक बना सकेगा, ठीक है। तो इन दो डेड सेल्स को इनके दरमियान का जो रीजन है वो हार्मोगोनिया है और वो नया नॉस्टॉक बनाएगा, तो हार्मोगोनिया से इसकी रिप्रोडक्शन होगी और दूसरा अकाइनेट्स के जरिए से होगी, ठीक है। अब अकाइनेट्स ये कहाँ पड़े हैं, ये हेटरोसिस्ट के साथ अकाइनेट्स पड़ी हैं, ये भी नया नॉस्टॉक बनाने की सलाहियत रखती है, और दूसरा होगी इसकी आर्थरोस्पोर से। अब जब अकाइनेट्स रेस्टिंग कंडीशन में होंगे ना, ठीक है, मतलब फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ के लिए नहीं है, तो तब इन अकाइनेट्स को हम आर्थरोस्पोर कहेंगे, ठीक है। तो आर्थरोस्पोर भी मतलब नया नॉस्टॉक बना सकता है, और दूसरा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर क्या बोला है, हेटरोसिस्ट पड़ा है ना, इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारा डिवाइड होगा और वो डिवाइड करके एंडोस्पोर बना देगा, फिर इसकी वॉल रप्चर करेगी, एंडोस्पोर बाहर आएंगे जो कि नया नॉस्टॉक बना देंगे, ठीक है। और एंडोस्पोर कौन सी दो स्पीशी में बनेगी, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम और नॉस्टॉक कम्यूनी। अगेन एमसीक्यू से आ सकता है कि एंडोस्पोर कौन सी दो स्पीशी में नॉस्टॉक की बनती है, तो नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपियम और नॉस्टॉक कम्यूनी। तो ये सारा हमने देखा, पहले हमने टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखी नॉस्टॉक की, फिर इसकी ऑकरेंस देखी, फिर इसकी प्लांट बॉडी देखी जिसमें मैंने बताया ये ब्लू ग्रीन कॉलोनी में, कभी इसका सेल स्ट्रक्चर देखा मैंने बताया ये प्रोकैरियोटिक, इसकी सेल वॉल का बताया कि ये सेलुलोज की बनी हुई होगी, फिर मैंने इसे पिगमेंट्स का बताया कि वो क्रोमोप्लाज्म होंगे उनमें प्लास्टिड्स नहीं होंगे, फिर मैंने इसका न्यूक्लियोप्लाज्म का बताया जो कि प्रोकैरियोटिक है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, फिर मैंने इसकी फूड का बताया कि ये इसमें शुगर, ग्लाइकोजन और सियानोफाइसिन, फिर मैंने इसके रिप्रोडक्शन का बताया कि इसमें सेक्सुअल नहीं होती, वेजिटेटिव होती है, लेकिन कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन होगी, और एसेक्सुअल चार तरीकों से होगी, हार्मोगोनिया, अकाइनेट्स, आर्थरोस्पोर और एंडोस्पोर, ठीक है।
इसमें मैंने फ्रेगमेंटेशन का क्या बताया कि कॉलोनी छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगी और नया हार्मोगोनिया बनाएंगे, सॉरी नया नॉस्टॉक बनाएंगे। दो डेड सेल्स के दरमियान रीजन हार्मोगोनिया होगा जो कि नया नॉस्टॉक बना सकता है। अकाइंडेट्स भी साइड रखते हैं नया नॉस्टॉक बनाने की, और जब रेस्टिंग कंडीशन में अकाइंडेट्स हम देखें आर्थ्रोस्पोर करेंगे और बाजू का थ्राइटोसिस के अंदर का कंटेंट डिवाइड करेगा एंडोस्पोर बनाएगा जिससे नया नॉस्टॉक बनेगा। और ये कौन से दो स्पीशीज में देखने को मिलता है नॉस्टॉक की, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोप में, नॉस्टॉक का। तो ये सारा हमारे पास नॉस्टॉक था।